Hello, my dear student. In this topic, some basic principles and techniques. Let us see the article how to write bond line formula, particularly when condensed formula is given. In earlier video, you may watch regarding bond line formula of organic molecule. I have explained properly. If you have not watched that, do watch that video. Now we are going to see the examples how we can write that. So one thing which I have given there in last video, again I would like to revise the thing. In writing bond line formula, each terminal will be CH3. हर एक टर्मिनल जो आएगा वो CH3 होगा. टू लाइन जंक्शन जो होगा दैट विल बी CH2. तीन लाइन का अगर जंक्शन हमें दिखेगा देन दैट विल बी CH. एंड फोर लाइन जंक्शन अगर पॉइंट हमें दिखेगा दैट विल बी सी. एंड दिस वी हैव टू रिमेंबर पर्टिकुलरली व्हेन देर इज नो फंक्शनल ग्रुप. व्हेन नो फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन. नो फंक्शनल ग्रुप is at carbon. Okay, so try to understand that each terminal will be CH3, two line junction will be CH2, three line junction will be CH, and four line junction will be C. Okay, and when some functional group is there that may be written there, try to understand. Now let us keep these things in mind and try to write the formulae. Now here what it is given in the first example. CH3 taken twice, CH, CH2, CH, double bond, CH. Okay. So better if you are having some more condensed thing, first of all try to explore this. Try to expand this. Okay, CH3 taken twice, CH means I can write like this: CH3, CH, CH3. So what is this? CH3 taken twice, CH, CH3 taken twice, CH. Then CH2, and then CH double bond CH. ओके okay. यहां पे एक बात जरूर देख लो आप, हर एक कार्बन के चार बॉन्ड्स है कि नहीं. थ्री हाइड्रोजन मीन्स थ्री बॉन्ड्स, दिस इज 1/4. 1, 2, 3 बॉन्ड्स एंड 1 हाइड्रोजन मीन 1 बॉन्ड, दैट इज 4. CH2 के 2 हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड, 4. यहां पर भी एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये दूसरा हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहां पर भी डबल बॉन्ड है, 200. सो एवरी कार्बन शुड हैव 4 वैलेंसी 4 बॉन्ड्स. ये जरूर देखते जाइए करेक्ट हमने लिखा है या नहीं लिखा है. ओके अब इसको हमें लिखना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की तरह, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल सी विच इज द कंटिन्यूअस चेन. 1, 2, 3, 4, 5. ओके तो ये जो है दैट इज पर्टिकुलरली 1, 2, 3, 4 और ये 5. 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स मैंने यहां पे दी है. 1, 2, 3, 4, 5. ये सेकंड नंबर का कार्बन, या यहां से अगर गिनती चालू करेंगे तो 1, 2, 3, 4 नंबर के कार्बन पे, यहां पे एक तो ये जहां पे डबल बॉन्ड रहता है वहां से नंबरिंग चालू करना पड़ता है. ओके तो यहां पे डबल बॉन्ड है तो राइट टू लाइन्स हियर. ओके
These are the two lines means this is two line junction या two line का point यानी CH2. Then three line आते हैं यहां पे, दो ये और ये एक तीन, तो तीन line का junction यानी CH, correct है ये CH. फिर दो लाइन का पॉइंट आता है दैट इज सी एच टू, सी एच टू. अब यहां पे तीन लाइन वाला पॉइंट आएगा, तो सी एच थ्री अगर लिखना है मुझे आई विल हैव टू राइट लाइक दिस. सो सी दिस अगेन, सी एच थ्री, सी एच, सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच, सी एच थ्री, थ्री लाइन जंक्शन यानी सी एच, सी एच थ्री, सी एच थ्री, टू लाइन जंक्शन यानी सी एच टू, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. अगर समझ में नहीं आता है फिर एक बार इसको वॉच कर लो, लेकिन ये पॉइंट ध्यान में रखो, टर्मिनल यानी सी एच थ्री, ये थ्री एच थ्री, ये सी एच थ्री, यानी बाद में टू लाइन जंक्शन वाला सी एच टू, टू लाइन जंक्शन ये जो है ये सी एच टू, ये यहां पे टू लाइन आ रहे हैं सी एच टू, यहां पे तीन लाइन आ रहे हैं सी एच, और यहां पे तीन लाइन का जंक्शन है सी एच. वेरी क्लियर. ये अगर फॉलो करते जाएंगे तो बहुत इजीली, एंड यू विल फाइंड दैट दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. समझ में आ रहा है? नाउ अनदर, अनदर पॉइंट विच इज गिवन, अनदर एग्जाम्पल विच इज गिवन. ओके, सो आई विल जस्ट wipe out and make the space there. ये first तो हो गया हमारा. Now second, second, ये second देखेंगे CH3. इसको भी पहले मैं expand करके देखूंगा क्या क्या, और expand करने की जरूरत भी नहीं है. 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbon are there. 1, 2, 3, 4, 5. So see this. 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, और ये 1, 2, 3 थर्ड कार्बन पे यहां पे डबल बॉन्ड ओ है. दिस इज फंक्शनल ग्रुप, तो मैं ये कह रहा था. ओके, यानी टू लाइन जंक्शन दिखा दो इसका मतलब सी एच टू आप बोलेंगे, लेकिन ऑलरेडी फोर लाइन जंक्शन भी हो गया. एंड देखो आप, फोर लाइन जंक्शन का पॉइंट आ गया तो सी, दिस इज सी, करेक्ट. डबल बॉन्ड ओ वहां पे लिखो, सी एच थ्री टर्मिनल, दो लाइन जंक्शन सी एच टू, दो लाइन जंक्शन सी एच टू, सी एच थ्री टर्मिनल. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. वेरी क्लियर. ओके, समझ में आ रहा है? सी एच थ्री, सी एच टू, सी ओ, सी एच टू, सी एच थ्री. अब इसका जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे तो डेफिनेटली हमको उसके आईयूपीएसी नेम में भी उसका यूज हो जाएगा. ओके, देन अनदर एग्जांपल आई वुड लाइक टू राइट, नंबर थ्री, थर्ड जो दिया है वो क्या दिया है. देखो, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, नाउ द थर्ड इज नीडेड टू बी एक्सपांडेड. सी एच थ्री टेकन थ्राइस सी, ये एक सी एच थ्री, ये सी, ये दूसरा सी एच थ्री मैं लिख रहा हूं, दिस इज द थर्ड सी एच थ्री आई एम राइटिंग, देन ये सी आ गया, सी एच थ्राइस सी, सी एच थ्राइस सी, देन सी एच टू थ्राइस, एक के बाद एक, वन सी एच टू, अनदर सी एच टू, अनदर सी एच टू, एंड फाइनली सी एच थ्री. तो एक बार ये पहले चेक करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं होती हमारी, सी एच थ्री थ्राइस सी, 1, 2, 3, सी एच थ्राइस सी, देन सी के बाद में ये तो सी आ गया, सी के बाद में सी एच टू सेकंड थ्राइस, 1, 2, 3, सी एच टू सेकंड थ्राइस, बाद में सी एच थ्री. वेरी इजी. एक्सपांशन करना क्यों जरूरी है दोस्तों? बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द कंटिन्यूअस चेन. तो देखो, कंटिन्यूअस चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की है, सो यू नीड टू राइट 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6. अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब नंबर दो का जो कार्बन है उसके ऊपर और दो सी एच थ्री है,
that I will write like this. This is one and this is the another. Okay, sorry. तो क्या हो गया देखो, ये चार पॉइंट का जंक्शन यानी सी सी हो गया. देखो फोर पॉइंट जंक्शन इज सी, फोर लाइन जंक्शन इज सी, ये सी है. वन सी एच थ्री, अनदर सी एच थ्री, अनदर सी एच थ्री, थ्री सी एच थ्री आ गए, सी एच टू वन टू थ्री आ गए, वन टू थ्री, और टर्मिनल आ गया सी एच थ्री. सो नाइस. ओके, ये एक बार जैसे जैसे हमें आने लगता है, डेफिनेटली वी फील इंटरेस्ट इन राइटिंग दैट. इसको लिखने में हमें बहुत ही इजी महसूस होने लगता है. नाउ यू विल ट्राई द अदर थ्री एग्जांपल्स, आई एम श्योर यू विल गेट इट. मेरे ख्याल से हमने तीन सॉल्व किए, तो अदर फोर एग्जांपल्स यू विल ट्राई. ओके, सी एच सी सी ओ ओ एच, सी एच सी सी ओ ओ सी टू एच फाइव, ये जो दिया है वो और ये जो दिया है वो. सो प्लीज ट्राई यूर सेल्फ, डेफिनेटली आपको आएगा, ऐसा समझो ये होमवर्क है. Okay, thanks a lot. Please write your comment in the comment box. How you are able to learn from this very properly. And another important thing, don't forget to subscribe my channel. Share this. Thanks a lot.